गुस्से को यदि आज नहीं निकाला तो बैर बन जाता है, और छोटी सी तकलीफ को अगर आज नहीं सुलझाया तो नासूर बन जाता है। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक पिता और बेटे की कहानी सुनाती हूँ आपको। दोनों साथ में रोज इवनिंग वॉक पर जाया करते थे। लड़का कुछ 10-12 साल का था, बहुत इंजॉय करता था अपने पापा के साथ इवनिंग वॉक को। एक दिन वॉक करते हुए पास में एक छोटी सी जो पहाड़ी थी, बच्चे का मन हुआ कि क्यों ना भाग कर इस पहाड़ी पर चढ़ा जाए। पिताजी से बोलता है, पिताजी आज रेस करें, इस पहाड़ी की चोटी पर पहले कौन पहुंचता है ये देखते हैं। पिताजी भी झट से तैयार हो गए, उन्होंने कहा चलो रेस लगा ली जाए। रेस शुरू हुई, थोड़ा देर चले ही थे, लड़का काफी तेजी से दौड़ रहा था और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पिताजी रुक कर कुछ करने लग गए। बोला क्या हुआ पापा, इतनी जल्दी हार गए क्या? तो उसके पिताजी ने कहा नहीं बेटा हारा नहीं हूँ, बस मेरे जूते में कुछ कंकड़ भर गए, उनको निकाल रहा हूँ। बेटे ने कहा कंकड़ तो मेरे जूतों में भी है, मगर मैं नहीं रुकने वाला, और देखो मैं आपसे जीत कर दिखाऊंगा। और लड़का तेजी से दौड़ने लगा। कुछ एक आध मिनट के अंदर जब पिताजी ने कंकड़ निकाल कर जूते पहने, तब तक लड़का बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन आगे निकलते निकलते धीरे धीरे उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जूते में भरे हुए कंकड़ उसे तकलीफ देने लगे थे, उसकी चाल भी स्लो होने लगी थी, और धीरे धीरे उसका दर्द इतना बढ़ गया कि अब ऐसा लग रहा था कि दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी गति कम हो रही थी, पिताजी की तेज हो रही थी। तो पिताजी आगे निकल गए। जब पिताजी थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए तो पीछे से आवाज आई, पापा रुको, मैं और नहीं दौड़ सकता, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी झट से दौड़कर वापस आए तो देखा बेटे के पैरों से खून निकल रहा था। उसे उठा के फटाफट घर लाए, मरहम पट्टी करी, और उसका दर्द जब थोड़ा सा कम हुआ तब उसे समझाया कि बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि कंकड़ निकाल लेने चाहिए। तो उसने कहा कि पिताजी मुझे लगा कि अगर मैं कंकड़ निकालने के लिए रुका तो मेरा समय बर्बाद होगा और मैं रेस को हार जाऊंगा। उस दिन पिताजी ने उसे एक बात समझाई जो मैं आज इस कहानी के जरिए आपसे कहना चाहती हूँ। कई बार लाइफ में जब प्रॉब्लम छोटी होती है ना, तब हम उसे ये कहकर टाल देते हैं कि इसे सॉल्व करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। आपकी छोटी मोटी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर के पास जाने का आपके पास टाइम नहीं है, उसके बाद वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, और हो सकता है कि जो आधा एक घंटा आप बचा रहे थे, फिर आपको बीमारी को शायद 10 या 12 दिन देने पड़े। हो सकता है रिश्तों में आई छोटी सी कड़वाहट जिसे आज अनदेखा कर रहे हैं, कल वो रिश्ता टूटने की वजह बन जाए। ऑफिस में कलीग्स के साथ हो रही छोटी मोटी अनबन कल ऑफिस पॉलिटिक्स का रूप ले ले। अगर आप आज उस समस्या को अटेंशन और छोटा सा समय देंगे तो हो सकता है कि एक छोटे से सॉरी से आज रिश्ता बच जाए। हो सकता है कि ऑफिस कलीग के साथ एक छोटी सी मीटिंग करके आप बड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स को यहीं रोक दे। समस्या जब छोटी होती है तो उसे सुलझाना भी आसान होता है, लेकिन अगर आप समस्या को अवॉइड करते जाते हैं और वो बढ़ जाती है, तब कई बार वो एक ऐसा नासूर बन जाती है जो शायद कभी सॉल्व ना हो पाए। तो अपने ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई कंकड़ तो नहीं है जिसे निकालने की आज जरूरत है, उसे तुरंत निकाल फेंकिए। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।